और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारी गई है। सीआईएसएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संसद भवन में घुसने की कोशिश नाकाम की गई। फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी। सीआईएसएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो संसद भवन में फर्जी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसे सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया है। जी हां, दरअसल फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे 3 लोग, जिनकी जब जांच की गई, पूछताछ की गई तो फर्जी पाया गया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईएसएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर संसद भवन की सेंधमारी, सुरक्षा में सेंधमारी की गई और 3 लोग फर्जी तरीके से, फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार फर्जी तरीके से ये संसद भवन में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की इनकी कोशिश थी। बड़ी खबर दिल्ली से। तो देखिए, आज जो प्रमुख बैठक है, इन बैठकों में आज तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और उसके पहले ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी की कोशिश, सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश, 3 फर्जी तरीके से, 3 लोग फर्जी तरीके से संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब सीआईएसएफ जवानों ने इन्हें पकड़ लिया, इनसे पूछताछ की गई, तो ये जो आधार लेकर पहुंचे थे ये फर्जी पाया गया है। इनके पास पुख्ता कोई दस्तावेज न होने के चलते अब इन्हें संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया है। ग्वालियर